जेबी केम फार्मा है, मुझे लग रहा है आप उसी की बात कर रहे हो ना जो कंचन। सर यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो जेपी केमिकल लिखा है, लेकिन आई थिंक ये जेबी हाँ केम हाँ फार्मा ठीक है, उसका नाम पहले केमिकल ही था, बाद में उन्होंने जेबी केमिकल एंड फार्मा किया है। जी। और देखिए ये भी स्टॉक जो है मतलब अच्छा है, कहने की और वैल्यूएशन थोड़े से हाई है, थोड़े से मतलब ऊपर, क्योंकि वैल्यूएशन हमेशा कंपनी कंपनीज के ग्रोथ पर उनको मिलता है, और लास्ट के 2 क्वार्टर्स में कंपनी के ग्रोथ ठीक ठाक रहे हैं अमूमन तौर पे, बहुत ज्यादा जो है एग्जुबरेंस नहीं देखने को मिला है कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ गए हैं। बट अगेन अगर आप पिछले इनके कई क्वार्टर्स को देखेंगे तो उससे थोड़े थोड़े दे आर बिल्डिंग ऑन दी कहने की लैडर की तरह, धीरे धीरे ऊपर की तरफ नतीजे दिख रहे हैं, और मार्केट ने इनको एक अच्छा वैल्यूएशन ऑलरेडी दे चुके हैं, महंगे वैल्यूएशन हैं। तो आपने ध्यान रखना चाहिए हमेशा कि मार्केट जब आपको वैल्यू करता है हाई ग्रोथ के लिए और आप वो ग्रोथ को नहीं दे पा रहे हो, फैक्टर नहीं कर पा रहे हो, तब थोड़ी दिक्कत होती है, तब मार्केट सहम जाता है कि यार हमने जो इसको प्राइस दिया है वो क्या ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट उसी चीज को देख रहा है और एक साइडवेज कंसोलिडेशन है। 2050 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होंगे, मार्केट को कोई भी ट्रिगर अगर समझ में आता हो, इनसाइडर को समझ में आता हो कि आने वाले टाइम पे और अच्छा कर सकता है ये, तब इसमें और तेजी होगी, वो भी 2050 के ऊपर फॉर्मेशन वाइज जैसा दिख रहा है। बट 1950 ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल होंगे, अगर आप होल्ड करते हैं तो उसके नीचे आप होल्ड न करें, क्योंकि अगर उसके नीचे चलता है तो 1850 1800 तक के लेवल आ सकते हैं। जी, तो ये थी राय जेबी केमिकल्स एंड फार्मा के ऊपर। सर, जेबी केमिकल और डीवी लैब में अगर मैं कंपेयर करूं तो लॉन्गर टर्म के लिए कौन सा ज्यादा अच्छा स्टॉक है? देखिए मुझे लगता है कि डिवीज लैब ज़्यादा अच्छा, क्योंकि डिवीज लैब पूरे सेक्टर में लीडरशिप पोजीशंस में है, और ये टाइम कुछ गए हैं जिसमें कि हम देख रहे हैं कि एक मार्जिन हिट हुआ है सारी कंपनियों को, और स्पेशली अगर आप कह लें कि जैसे सीमेंट, मैंने पहले बताया कि सीमेंट कंपनियां हैं, ऑयल एंड गैस हैं, और केमिकल कंपनीज हैं फॉर दैट मैटर, और केमिकल में एपीआई में काफी बड़ा हिट हुआ है, सप्लाई डिसरप्शन है बहुत कुछ कारण उसके, और जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल काफी बढ़ गया है, फ्यूल कॉस्ट बढ़ गए हैं, एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ रहे हैं, तो कॉस्ट सब बढ़ रहा है लेकिन आपको दाम प्राइस नहीं मिल रहे हैं उस तरह से। तो एक ये पीरियड है जैसे हम कि कहते हैं कि कंसोलिडेशन का एक पीरियड है। तो डिवीज लैब अगर आप पूरे क्षेत्र में देखें तो मुझे लगता है कि डिवीज लाउरस लैब वेरी गुड कंपनीज टू बी इन। और दूसरी हमारी पसंद थी, जैसा अभी किसी दर्शक ने पूछा था, वो थी कि जुबलेंट इनग्रेविया, और ये मेरी राय पूरे क्षेत्र पे है कि थोड़े टाइम पेनफुल है लेकिन आने वाले टाइम अच्छे हो सकते हैं इन सारी कंपनियों जी, तो सर ने दोनों में कंपैरिजन करके बता दिया है कि इस टाइम पे डिवीज लैब ज्यादा अच्छा लग रहा है। टेक्निकल एरर की वजह से उस टाइम पे मैं चार्ट ओपन नहीं कर पाई थी, लेकिन अब चार्ट ओपन हो गया है